आपका आप देख रहे हैं कंट्रोल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ गोविंद मौजूद हूं। यहां पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि साक्षी की जो है न्याय की मांग को लेकर साहिल के विरोध में ये जो है आज जो है कैंडल मार्च हो रहा है सावा डेयरी से जो कैंडल मार्च निकलेगा। ये इन लोगों से ही बातें करते हैं। मैम क्या नाम है? पूजा शर्मा। क्या कहना चाहेंगी इस मामले को, कैसे ये मामले को? तो देखना ना, बहुत दर्दनाक मामला है क्योंकि हमने एक बेटी खोई है, साक्षी हमने खोई है। वो साक्षी जो बिल्कुल निर्दोष थी, वो मासूम जिसको ये नहीं पता था कि आज मैं बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ या मेरी अंतिम याद वो है, वो बिल्कुल बेखबर होके वहाँ जाती है। मगर ये प्लानिंग से होया है सर, मर्डर आया है। प्यार एक तरफ का नहीं होता, ये प्यार थोपा गया है, थोपा गया है। साक्षी ने जब इनकार करना चाहा, उसने इनकार करा तो उस लड़के ने मर्डर कर दिया। उसने उसका एक ही मकसद था, या तो साक्षी तू लव को अपना, नहीं तो तेरी जान। उसने पहले 15 दिन पहले ही चाकू खरीदा था। क्यों खरीदा था? उसके माइंड में कहीं ना कहीं प्लानिंग चल रही थी, कहीं ना कहीं पहले से साजिश, पहले से साजिश थी। हमारी बच्ची का मर्डर हुआ है और ऐसे हत्यारे को मैं कहती हूँ वहीं पे जहाँ पे साक्षी का मर्डर होया है। और मैं तो एक और माध्यम से CBI जाँच होनी चाहिए, होनी चाहिए, हम मांग कर रहे हैं। और साक्षी के कातिल को वहीं खड़ा होके वहीं, ठीक है ठीक है, ओके ओके, यहाँ पे वहाँ पे साहिल को हमारे हवाले करना चाहिए, जनता के हवाले करना चाहिए, बेटियों के हवाले करना चाहिए, ताकि दूसरी साक्षी के साथ ये मर्डर केस दोबारा ना बने। क्योंकि जैसा उसने करा ना उस लड़की के संग, उस लड़के को वहीं पे खड़ा करके साहिल को बेटियों से 50 बार चाकू के वार उसी के कराने चाहिए। उस साहिल को पता लग जाएगा कि एक बार वार करने से क्या दर्द होता है। उसने एक माँ की बेटी को खोया, हमारी बेटी को जान ली है। हम साक्षी की न्याय की डिमांड करते हैं और हम ये बात हर दिल्ली के हर घर में, हर गली में, हर नुक्कड़। ऐसे मर्डर केसों में जो है हमेशा जो मुस्लिम ही है जो है सामने क्यों आते हैं? ये मुझे नहीं पता, क्योंकि सोच सबकी हो सकती है। श्रद्धा के साथ हुआ अभी, ये देखो ना, इनको कौन बढ़ावा दे रहा है, इन लोगों को कौन बढ़ावा दे रहा है? आप उनको पकड़ो, क्योंकि ये मास्टर माइंड है, इनके पीछे किसी और का माइंड चल रहा है। जिस टाइम साक्षी का मर्डर हो रहा था, उस लड़की को ऐसे चक्कू घोंप रहा था वो, जैसे कोई पुतले में चक्कू आराम से घोंस रहा है। सारे तमाशा देख रहे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसके कातिल और भी वहाँ पे प्रेजेंट थे, उसमें जनता के बीच में 2-3 लोग और भी प्रेजेंट थे। उस पे ना जबरदस्ती का प्यार थोपा जा रहा था साक्षी पे। एक तरफ का प्यार प्यार नहीं होता, मैं बार बार कह रही हूँ। साक्षी को टॉर्चर किया गया है, जबरदस्ती उस पे प्यार का थोपा जा रहा है। एक तरफ का प्यार क्या होता है? ये साक्षी के हत्यारों को गोली दो, फांसी दो। साक्षी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। साक्षी हम शर्मिंदा है तेरे। फिर ये मांग कहाँ तक जाएगी? कैंडल मार्च आप लोग निकाल रहे हैं, कैंडल मार्च के आगे भी जाएगी? अगर न्याय नहीं मिला तो कैंडल मार्च है, हम भूख हड़ताल पे भी बैठने वाले हैं, भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे। मगर हम चाहते हैं कि दिल्ली की और बेटियां और साक्षी के संग ये दोबारा हादसा नहीं हो, इसलिए हम सबको जागरूक कर रहे हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। क्या कह रहे हैं? हम जो साक्षी बेटी की कल चकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी गई है रोड पे, और सब आ जा रहे हैं, उसके लिए CBI की मांग करते हैं कि उसकी CBI जांच हो और जल्दी से जल्दी साक्षी बेटी को न्याय मिले। एक पहली घटना नहीं है, काफी दिल्ली में घटना हो चुकी है, आखिर जिम्मेदार कहीं ना कहीं हमारे में एकता नहीं है, इसीलिए है कि वो हमारी लड़कियों को बहका लेते हैं। और हमारे अंदर ही कमी है, लेकिन अब हमारा हिंदू जाग चुका है। लेकिन अब जहाँ उस बेटी को मारा गया है, उसको भी वहीं पे ला के मारा जाए, तभी हमें अच्छा लगेगा। दिल्ली में बेटियाँ सुरक्षित हैं? नहीं, आजकल बेटियां डर रही हैं घर से निकलने। हाँ, ये साहिल जैसे जो लड़के हैं यही इनके प्रेम जाल में फंसा लेते हैं, इसीलिए बेटियां डर रही हैं। प्यार एक तरफ का नहीं होता, ये जबरदस्ती। लेकिन CBI की जांच होनी चाहिए, षड्यंत्र के साथ ही हुआ है, हमारी बेटियों के साथ जो भी होता है। श्रद्धा के साथ इसका जो है कंप्लीमेंट किया जा रहा है, श्रद्धा के साथ वहाँ लफ्जियात हुआ तो ये दोनों में सेम सिमिलर। बेटी ऐसी कोई वो नहीं थी बेटी की, लेकिन इसको जाल में फंसाया गया है, षड्यंत्र के द्वारा इसको फंसाया गया है। बेटी को ऐसी बेटी नहीं थी वो,
और उसके वो तो कहती थी मम्मी मैं वकील बनूंगी, अब वो 10th में पास हुई है, बोली मम्मी आप टेंशन मत लो मैं वकील बनूंगी और अच्छे से अच्छा वकील बनूंगी। अब देखते हैं क्या होता है उसके साथ, लेकिन जो होगा अच्छा ही होगा। मैं तो कहती हूँ CBI जाँच हो उसके लिए और उस साहिल को वहीं पर ला के मारा जाए, तभी बेटी साक्षी को न्याय मिलेगा। हिम्मत हो गई उसकी जो है, जनता वहीं खड़ी थी, सभी लोग आसपास से निकल रहे थे और अचानक जो है तो हमारे अंदर तो एक कमी रह चुकी है, अगर हम उसको पकड़ते हैं तो वो पकड़ा जाता वहीं पे, लेकिन हमें जागरूक होना जरूरी है। अब काज उस साक्षी के साथ हुआ है, कल हमारी सभी बेटियां हैं, कॉलेज में भी जाती है, स्कूल में भी जाती है, उनके साथ भी हो सकता है। मेरी सभी बेटियों से ये अपील है कि सब एक साथ हो जाओ, और ऐसे जो लड़का कहता है कि मैं प्रेम करता हूँ ये करता हूँ, उसको वहीं पे मारो, उसके प्रेम जाल में नहीं फंसो बिल्कुल भी। लव जिहाद को कैसे कम कर सकते हैं आप लोग, कैंडल मार्च निकालेंगे कुछ दिनों बाद कम हो जाता है? भाई साहब कम तो जागरूकता से ही हो सकता है, अगर हमारी बेटियों को ये पता होगा कि सच्चाई क्या है। अब केरला फाइल ने कुछ दिखाया, उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ा है लोगों, हमारी बेटियों ने जब आके पिक्चर देखी है उनकी समझ में आ रहा है कि लास्ट में होना क्या है, या तो श्रद्धा या साक्षी, इन दोनों वाला ही हालत होनी है उनकी, या फोर्स कन्वर्जन करवा के उनको लास्ट में मौत ही होनी है उनकी, ये हमारी लड़कियों को आज पता लग चुका है। हिंदू खतरे में लगा दिखाई दे रहा है आजकल, हिंदू बेटियां खतरे में है, ये दो राय थोड़ी है। और दूसरी बात चीज क्या है, साक्षी को जो मर्डर करने वाला था, पहले तो सन्नी बना, हिंदू बन करके उससे प्यार किया, लव जिहाद दिया जाएगा उसमें, क्यों लव जिहाद वाला ही मामला उसने किया, रक्षा बांध रखा है, उद्राच पहन रखा है, इसके बाद उससे लड़की उससे प्यार करता है, वो कहता है मैं हिंदू हूँ, और जब उसको पता लग जाता है लड़की को कि मुसलमान है, जब इसे नफरत करने लगा तो इसके वजह से उसका मर्डर किया गया, यही कारण था उसको। और यहाँ पर लड़की दिल्ली के अंदर सुरक्षित नहीं है, आज भी डर नहीं है, और डर कर मारा, वो अपने घरों से निकलना उनको मुश्किल हो रहा है। ऐसे मामलों में जाँच एक तरफा हो जाती है? जाँच कहाँ होती है ये बताइए, जाँच कहाँ हो रहा है? यहाँ पर तो कितने मर्डरे हुए हैं आप सुन ही रहे हैं, हर दिन कहीं कहीं लड़कियों को चक्कू मारा जा रहा है, कहीं उनके बलात्कार हो रहा है, कहाँ हो रहा है लड़की को ये बताइए, दिल्ली के अंदर कहाँ सुरक्षित है? श्रद्धा के मामले में भी ऐसा ही हुआ, जांच एक तरफा रहेगी या फिर दूसरा नया केस? हाँ यही तो हमने कह रहा है कि बहुत बेटियों के साथ ऐसा हादसा हुआ है, और ये जो हादसा हुआ है ये तो बहुत गंभीर हादसा हुआ है कि पहले वो हिंदू बना, रक्षा बना हुआ था उसके कलाई में, इसके बाद कलाई के बाद उसने माला पहन रखा था उद्राच का, उस लड़की को उसके प्यार में, इसलिए उसको जाल फंसाया कि मैं हिंदू हूँ, और बाद में उसको पता लगता है कि मुसलमान है, इसलिए उसने नफरत किया कि हम तुमसे प्यार नहीं करती, मैं समझती थी तुम हिंदू हो, बाद मुसलमान, इसलिए उसने कसम खाई थी कि मैं तुझे बख्शूंगा नहीं। 15 दिन पहले उन्हें चाकू मंगाई और 15 दिन के बाद उसको हत्या कर दिया गया। चाकू भी हरिद्वार से मंगाया गया जो आफ्ताब लेकर जी, ये भी हमें पता लगा, जिस तरीके से उसने बयान दिया कि हरिद्वार से 15 दिन पहले वहाँ से चाकू आई, धारदार आई, साजिश चल रही थी पहले, बिल्कुल साजिश, उसकी साजिश थी ना, साजिश को ऊपर ही तो उसने ऐसा मर्डर किया है, साजिश को ऊपर ही मर्डर था। तेरे कातिल जिंदा है, साक्षी हम शर्मिंदा है, तेरे